शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वृषभ राशि का साल 2024 कैसा जाएगा। कैसा जाएगा इन द सेंस आपका पारिवारिक जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपका कैरियर, ये सब कैसा रहेगा। और सबके मन में ये सब जिज्ञासा रहती भी है कि ये सब हमें पता होना चाहिए भाई कैसा जाएगा साल 2024। हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा और आप shivago.com और omja.com से सारी चीज़ें ले सकते हैं। स्पिरिचुअल चीज़ें बिल्कुल जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी नॉर्मल चीज़ें कि ग्रहों की स्थिति क्या होगी। तो भाई 1 मई से बृहस्पति आपकी राशि में ही होंगे। ये समय आपके लिए बदलाव का रहेगा और पिछले कुछ समय से जिस कारण से आप परेशान चल रहे थे वह कारण अब दूर होगा। राहु आपके एकादश भाव में इस पूरे साल रहेंगे। आपसे आप जो इनकम प्राप्त करेंगे उसे भी एक जगह से प्राप्त नहीं करेंगे, अनेक जगह से इनकम प्राप्त करेंगे। इस साल शनि आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपके कुछ मूड स्विंग का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे आत्म जागरूकता और भावनात्मक विकास के अवसर के रूप में आप देखें। पैसों के मामले में बढ़े हुए खर्चे और नकदी की कमी से थोड़ी सी सावधान रहिएगा। वृषभ राशि के जातक, कैरियर स्थिर रहेगा और प्रोफेशनल जीवन जो है वो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातक का पारिवारिक जीवन औसत रहने वाला है। आप कुछ खूबसूरत यादें बनाएंगे, हालांकि आपके घर में विशेषकर आपके माता पिता के साथ कुछ बहस भी हो सकती है। वृषभ राशि के जातक, यदि हम सिर्फ पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो इस वर्ष के अंत तक सुलझ जाएगा और आप इसे प्रसन्न दिखाई देंगे। घर के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है और इसमें धन का व्यय ज्यादा होगा। वर्ष के शुरुआती कुछ माह परिवार के साथ आप व्यतीत करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ बातों को लेकर घर में कलह हो सकती है। इससे आप सभी का मन उदास रहेगा और कोई शुभ कार्य भी नहीं हो पाएगा। वर्ष के मध्य तक स्थिति में सुधार आ जाएगा और सभी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। वृषभ राशि के जातक, वित्तीय तौर पर यह वर्ष अगर कहा जाए तो मिश्रित परिणाम आपको देने वाला है। जहां एक तरफ राहु की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से आपको अच्छे वित्तीय फायदों का योग बनेगा और आपको समय समय पर मिलने वाले वित्तीय लाभ आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे, जिससे आप नई नई योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और धन के निवेश के बारे में भी विचार कर पाएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति के वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में उपस्थिति उन पर नवमेश और दशमेश शनि देवी जी की दृष्टि होने से आपके खर्चों में वृद्धि होगी। 1 मई को जब बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होगा तो आपके खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी और इससे आपको वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और दिसंबर का महीना वित्तीय तौर पर ज्यादा अनुकूल दिखाई देगा। धन का आवागमन होता रहेगा, लेकिन आपके पास धन होने से आप वित्तीय तौर पर खुद को ज्यादा सहज महसूस कर पाएंगे और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वीजा यादि में भी आपको जल्दी कामयाबी मिल सकती है। लोगों की बातों में आकर चिट फंड वगैरह में पैसा बिल्कुल न लगाएं, किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही निवेश करें। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतें। किसी भी ऐसे व्यक्ति से या ऐसी प्रॉपर्टी में हाथ न डालें जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, क्योंकि आपके साथ धोखा होने की संभावना भी है। आप अगर अपने जन्म स्थान से दूर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस साल आपको इस मामले में खुशखबरी मिलेगी।
तो इसमें चिंता की कोई बात आपको नहीं है। वृषभ राशि वालों को अपने दोस्तों से बहस का सामना करना पड़ सकता है, आप दोस्ती में अपना विश्वास खो सकते हैं, पर जल्द ही आपके सितारे बदल जाएंगे। आपको बस आशा बनाए रखने और धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको जल्द ही ऐसे दोस्त मिलेंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। शत्रु या विरोधी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सत्ता में भी जा सकते हैं। आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं या दोस्त के वेश में छिपे हुए लोगों से सावधान रहना है। मई महीने से पहले आपका किसी भी शत्रु से सामना नहीं होगा। हालांकि आप अपने विरोधियों के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं या वित्तीय नुकसान भी आप उठा सकते हैं, तो वित्तीय नुकसान को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। इस साल यदि स्टूडेंट्स लोगों ने अच्छी खासी मेहनत कर ली तो उन्हें मनचाहा कॉलेज मिल सकता है। कैरियर या व्यावसायिक प्रयासों में कुछ सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर सकते हैं। इस साल वृषभ राशि के जातक, कैरियर में वृद्धि और उन्नति के अवसर तो आपको जरूर मिलेंगे। अपनी नौकरी के प्रदर्शन को बढ़ाने और अपने नियोक्ता के लिए अपना मूल्य बढ़ाने के लिए नई जिम्मेदारियां लेने और नए कौशल सीखने से आपको लाभ होगा। कुछ जातकों की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी उथल पुथल होगी और कुछ को व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके सामने कई ऐसे अवसर आएंगे जिस कारण आप घाटे की स्थिति में रहने से बच सकते हैं, लेकिन शायद ही आपका ध्यान उस ओर जाए। इस कारण आपके घाटे में रहने की संभावना अधिक होगी। वर्ष के मध्य में अवश्य ही आपको किसी ओर से अप्रत्याशित लाभ होगा। परिवार में किसी अन्य सदस्य के द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो अवश्य करेगी, लेकिन आप ज्यादा खुश नहीं होंगे। ऐसे में आत्मविश्वास की कमी या आपका हठपन इसके आड़े आ सकता है और आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। वर्ष के अंत में सब सामान्य रहने का अनुमान है। व्यापार की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन आप इसका भरपूर लाभ जो है वो नहीं उठा पाएंगे। आपकी संतान के मध्य थोड़ा सा तनाव समय समय पर बढ़ सकता है, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। उनकी अपने कुछ इच्छाएं होंगी जिनको समझकर आपको उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए, लेकिन आप उन्हें ठीक से समझा नहीं पाएंगे, जिससे आपके बीच में अघोषित दूरी बढ़ सकती है। और ये दूरी बढ़ने से पूर्व ही आपको परिस्थितियों को संभाल लेना है, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं। नौकरी में कुछ जातकों को संकट आएगा और आपकी जॉब भी छिन सकती है, तो ऐसे में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करें और किसी चीज की शिकायत आप बिल्कुल नहीं होने दें। अब 2024 के अंतिम महीनों में संतान की सेहत में गिरावट भी आ सकती है, इसलिए उनको लेकर थोड़ा सा चौकस रहेंगे। मार्च से अगस्त के बीच में थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि परिवार का कोई बुजुर्ग बीमार पड़ सकता है, उनकी सेहत पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। वृषभ राशि के जातक, आवेगपूर्ण या जोखिम भरे निर्णय से आपको बचना है। इस साल वृषभ राशि के जातक, अनुकूल परिस्थितियों का अनुभव होगा, इनमें विकास, विस्तार और सफलता के अवसर बनेंगे। वृषभ राशि को सहकर्मियों, ग्राहकों और ग्राहकों के जो मित्र हैं उनके साथ भी मजबूत संबंध बनाने से लाभ होगा। देखिए, वृषभ राशि वाले जातक, आप एक कहा जाए तो भरोसेमंद व्यक्ति होते हैं और मजबूत और भरोसेमंद के रूप में जाने जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है और इस चीज का आपको उपयोग करना है। परिस्थितियों के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। यदि आप अभी स्कूल में हैं तो इस वर्ष थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा असफलता हाथ लगेगी।
उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर संतुष्ट दिखाई देंगे और उनका ध्यान अन्य क्षेत्र से भी ज्ञान अर्जित करने पर रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे कि मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या सरकारी कोई काम, तो इस वर्ष इससे मोह भंग होने के संकेत है। आपका ध्यान कहीं भटक सकता है जिसका पछतावा आपको बाद में होगा, तो आप इससे पहले से ही सतर्क रहें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ खर्चे धार्मिक कार्यों पर भी होंगे, पर वो आवश्यक होंगे। यदि हम हेल्थ की बात करें तो भाई साल का शुरुआत स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहने वाला है। पंचम भाव में केतु, द्वादश भाव में बृहस्पति और अष्टम भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का 18 जनवरी से 12 फरवरी तक अष्टम भाव में जाना स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि करवा सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। वर्ष के मध्य में स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई नई योजना बना सकते हैं और अपने दिनचर्या में कुछ विशेष चीजें शामिल कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में सेहत में फिर से कुछ समस्या आ सकती है। देखा जाए तो मानसिक रूप से किसी बात की चिंता भी आपको सता सकती है, तो ऐसे में उसे किसी अपने के साथ साझा करें, अन्यथा यह समस्या और बढ़ जाएगी। जुलाई के महीने में पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, तो ऐसे में बाहर का खाना न खाएं और घर का ही पौष्टिक खाना खाइए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपके शादीशुदा जिंदगी की, कि भाई वो कैसी रहेगी। तो 2024 में वृषभ राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध आपके सप्तम भाव में रहकर आपके जीवन साथी को प्रेम पूर्ण बनाएंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। जनवरी से फरवरी के बीच जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच में एक बार फिर से ऐसी स्थिति आएगी जहां पे आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ले देके आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना ही है। और यदि विवाह की प्रतीक्षा में है और कहीं शादी की बात चल रही है तो इस वर्ष भी आपको प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। कहीं से कुछ रिश्ते तो आएंगे लेकिन आप उनसे संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी चीज़ की जल्दबाजी से बचें और सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। वैवाहिक जीवन में वैसे तो सब ठीक ही रहेगा और आपको अपने पार्टनर का भी भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन ससुराल पक्ष से कुछ समस्या आ सकती है। ससुराल में किसी के द्वारा आपके प्रति द्वेष भावना रहेगी जिस कारण आप दोनों के रिश्तों में भी खटास उत्पन्न करने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में पहले से ही आप सावधान रहिए तो बेटर है। अब हम उपाय की बात करते हैं। उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपाय पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। जो होना है वो तो होगा ही, पर यदि आपने उपाय कर लिए तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इस साल पितरों की कृपा प्राप्त करें और इसके लिए पितृ दोष या पितृ तर्पण पूजा करवाते रहें। शुक्र पूजा करवाकर प्रेम जीवन का आनंद उठाते रहें। सरस्वती माता की पूजा करें और गुरु ग्रह की शांति पूजा में आप भाग लीजिए। हर दिन सुबह पानी के साथ शहद का सेवन करें। हर दिन या कम से कम प्रत्येक शनिवार को कौवे और काले कुत्ते को भोजन खिलाएं। अपने लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम कोने में एक क्रिस्टल कछुआ रखें और रोजाना सुबह और भोजन के बाद इलायची खाना शुरू कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, पर मैं शॉर्टकट में एक दो चार उपाय और बता देता हूँ। आपको छोटी कन्याओं के चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता को हरा चारा और गेहूं का आटा खिलाना चाहिए। शनिवार के दिन चींटियों को आटा दें और गरीबों को भोजन कराएं। श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना भी आपके लिए
बहुत फायदेमंद रहेगा। इस साल आपका जो फेवरेट अंक होगा वो होगा 6 और लकी कलर होगा आसमानी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।